नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस युद्ध में लगी रही और भारत और इसराइल ने कर दिया है बड़ा खेला। और किस प्रकार से इंडियन नेवी के लिए इसराइल की तरफ से आ गए हैं घातक हथियार, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत और इसराइल के बीच में क्या डील हुई है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में यदि भारत का कोई सबसे भरोसेमंद साथी है जिसने आज तक कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया, तो वह है इसराइल। और आपको याद होगा, जब भारत और चीन का विवाद चल रहा था, तब चीन ने भारत के खिलाफ निगरानी रखने के लिए ड्रोन का उपयोग स्टार्ट कर दिया था। अब अमेरिका के साथ हमारी ड्रोन की डील थी, पर अमेरिका ड्रोन देने से भाव खा रहा था। ऐसे में भारत ने अपने मित्र इसराइल को याद किया और महज 3 दिनों के अंदर यह खबर आई कि भारतीय सीमा की सुरक्षा इसराइली ड्रोन कर रहे हैं। और इसके अगले दिन ही इसराइल से कई सारे इंजीनियर भारत आ गए और जो हेरॉन ड्रोन भारत में थे उनको अपग्रेड करके इनमें हथियार फिट करने लगे। तो दोस्तों, तो जब भारत को आवश्यकता पड़ी है तो इसराइल हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। और दोस्तों, ऐसी आवश्यकता थी इंडियन नेवी की, क्योंकि आप सभी यह जानते हो कि इंडियन नेवी के पास जो जहाज रहते हैं वो काफी ज्यादा कीमती रहते हैं और छोटे से ही हमले से इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और दोस्तों, ऐसे में इसराइल के साथ भारत ने 2020 में स्मैश 2000 नाम के एक हथियार की डील करी थी, जिसको लेकर आज खबर निकल के सामने आई है कि इसराइल की कंपनी के द्वारा इस घातक हथियार की डिलीवरी है वो भारतीय नेवी को कंप्लीट कर दी गई है। और दोस्तों, इसराइल की तरफ से मिला यह स्मैश 2000 प्लस नाम का हथियार एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण है, जिसको किसी भी बंदूक के ऊपर फिट किया जा सकता है और इससे उस बंदूक की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल 100% हो जाती है। यानी एक बार उस बंदूक से जो गोली निकलेगी वो जाकर दुश्मन की खोपड़ी में ही छेद करेगी। और दोस्तों, इसलिए भारतीय सेना भी ऐसे ही स्मैश 2000 प्लस हथियारों का उपयोग करती है और अब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो को दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने के लिए ऐसे ही हथियार दे दिए गए हैं। इसके अलावा यह जो सिस्टम है वो आसानी से ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। ड्रोन को यह 200 मीटर के दायरे में नीचे गिरा सकता है, जबकि दुश्मन देश के सैनिकों को यह बड़ी ही आसानी से 800 मीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। और दोस्तों, इसको चलाने के लिए सबसे पहले जो अपने भारतीय सैनिक हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इससे सबसे पहले लॉक किया जाता है और फिर बाद में अपने हिसाब से एल्गोरिथम लगा के उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और उस ऑब्जेक्ट की इधर उधर स्थिति परिवर्तन करने वाली जितनी भी संभावना है उनको कैलकुलेट कर लेता है। और जैसे ही बंदूक से गोली फायर करी जाती है तो उसकी एक्यूरेसी 100% होती है और डायरेक्ट जाकर ऑब्जेक्ट की खोपड़ी में छेद कर देती है। तो दोस्तों, इसराइल से भारत के द्वारा लिए गए इन घातक हथियारों के बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।